Hey, hello, saya Solkan Putih kembali dengan finally Realme 3 iPad, Realme UI with Android 10 stable update आ चुका है हर किसी के लिए, तो आप भी जाइए सेटिंग के अंदर और इस अपडेट को कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका अपडेट साइज क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसका वर्जन नेम क्या होगा, सिक्योरिटी पैक कौन सा मिलेगा, तो हर चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करें इसकी वर्जन नेम की, तो वो है RMX1827EX11C.09 और ये एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड होगा। उसके साथ साथ आपको 5th अप्रैल 2020 का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो अब बात करें चेंजेस की, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट के बारे में बताऊंगा, जो इसका हाईलाइट है, जैसे कि है स्मार्ट साइड बार, उसके बाद है विजुअल्स, उसके बाद है स्क्रीनशॉट, और आपको यहाँ पर जैसे कि सिस्टम नेविगेशन गेस्चर 3.0, उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं गेम्स में ऑप्टिमाइज़ किया गया है, और होम स्क्रीन पर आपको नया होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी में बहुत सारे चेंजेस मिलेगा। टूल्स पर आप बहुत सारे देखेंगे। कैमरा में आपको पूरा रियलमी UI का कैमरा का UI इंटरफेस मिलेगा। फोटोज़ में आपको चेंजेस मिलेगा, और कम्युनिकेशन में आपको चेंजेस मिलेगा, सेटिंग में आपको चेंजेस मिलेगा। तो सब कुछ मैं आपको कवर करूँगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करें इसकी अपडेट लॉग, जो है अपडेट टू रियलमी UI, मतलब कि एकदम ब्रांड न्यू डिज़ाइन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन लेक से लेकर आप यहां पर पूरा देख सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू है। जी हां, आप सेटिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं, पूरा रियलमी UI पर बेस्ड है, इसलिए आपको सबसे पहले आपको होम स्क्रीन में चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ढेर सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको लाइव वॉलपेपर्स भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 8-10 आप कह सकते हैं कि लाइव वॉलपेपर्स दिया गया है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ लाइव वॉलपेपर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कि पूरा 14 यहाँ पर आपको 14 आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से लाइव वॉलपेपर हर। उसके साथ साथ आप सेटिंग के अंदर जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ऐप ड्रॉअर को, और आइकॉन को साइज को आप चेंजेस कर सकते हैं। ये फीचर्स बहुत ही काम में आएगा आपके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से आइकन वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात, हमें होम स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है। तो अब आते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, जी हाँ, क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार, तो स्मार्ट साइड बार पहले भी था, लेकिन इस बार बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स ऐड हुए, जैसे कि आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मार्ट स्वाइप बार में आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, इस तरह से बबल्स ला सकते हैं, जो मैसेंजर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए व्हाट्सएप में भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी कूल लगता है देखने में फीचर, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और फीचर है, जैसे कि आप इस तरह से स्वाइप करके, मान लीजिए कि मैं ऐप यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन किया हूँ, और दूसरी तरफ मुझे व्हाट्सएप भी खोलना है, तो आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से लाकर, तो आप इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएंगे, मतलब कि मल्टीटास्किंग में आ जाएंगे। तो इस तरह का फीचर्स ऐड हुए हैं स्मार्ट साइडबार में, इस तरह का फीचर्स ऐड हुए हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको पूरा देखना है तो आपको यहाँ पर एक आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर पूरे चेंजेस के बारे में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, मतलब कि आप इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट का एक अलग ही मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं, इस तरह से स्क्रोल शॉट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप पर्टिकुलरली एक जगह को क्रॉप कर सकते हैं, उसका ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के फीचर भी ऐड हुए हैं रियलमी UI पर। फिर आते हैं नेविगेशन गेस्चर्स की, तो जी हाँ, आपको फाइनली आपको मिल जाएगा स्वाइप गेस्चर्स, मतलब कि आप दोनों साइड में से गेस्चर्स को यूज़ करके बैक में जा सकते हैं, होम में आ सकते हैं, रिसेंट बार को देख सकते हैं। तो सिंपली आपको अब मालूम ही होगा कि नेविगेशन बटन पर आपको आ जाना है, तो अभी मेरे पास वर्चुअल बटन है, तो इसको मैं बहुत सारे गेस्चर्स को एनेबल कर दूंगा। फिर आप कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप इस तरह से बैक आ जाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे तो होम में आ जाएंगे, इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप इसके रिसेंट बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का फीचर भी ऐड हुए हैं रियलमी 3i पर, और इसको देखने लग जाऊंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा वीडियो में, इसलिए फोकस मोड, मतलब कि आप डिजिटल वेलबिंग में आपको फोकस मोड का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ साथ नए नए रिंगटोन्स ऐड हुए, नोटिफिकेशन ऐड हुए, वो आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड का जो ऑप्शन था, मतलब कि फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते थे, तो तब अब आप माइक्रोफोन से भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ़ोन का सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्ड में आप पॉज भी प्ले भी कर सकते हैं, मतलब कि स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम। गेम स्पेस में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेगा, अब गेम स्पेस थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है उन लोगों ने। आप देख सकते हैं गेम स्पेस अभी कमाल का लगता है दिखने में, अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी गेम नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा। तो गेम स्पेस में आपको बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स मिलेगा, उसके साथ साथ चेंजेस भी मिलेगा अगर आप गेम स्पेस यूज़ करते हैं तो। और होम स्क्रीन के बारे में तो मैंने पहले आपको बताया था कि आप आइकन को शॉर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ नए वॉलपेपर्स ऐड हुए हैं। सिक्योरिटी में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेगा, आप सिक्योरिटी में जाकर चेक कर सकते हैं। टूल्स में आपको कैलकुलेटर में एक फीचर मिलेगा जो काफ़ी कमाल का है। आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आपने शायद देखा होगा कि इस तरह से आप मल्टी स्क्रीन मतलब कैलकुलेटर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैलकुलेटर में आपको एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर से आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेंथ एरिया वॉल्यूम का भी माप या फिर स्पीड का भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में बहुत सारे चेंजेस मिलेगा आपको। कैमरा, तो चलिए मैं आपको कैमरा का इंटरफेस दिखाता हूँ। तो कैमरा कुछ इस तरह से आपको ब्रांड न्यू यूआई के साथ मिलेगा। तो कैमरा ओपन होने में बहुत ही स्लो होता है, मुझे नहीं मालूम क्यों। आप चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, हालांकि अभी फास्ट हुआ लेकिन जब आप इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस ए मुझे बग्स लगा, हालांकि ये स्टेबल अपडेट है फिर भी मुझे ये बग्स लगा। जैसे कि आप कैमरा को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम लगता है कैमरा ओपन होने में। तो कैमरा का इंटरफेस बहुत ही नया आ चुका है। अब यहाँ पर नाइटस्केप 2.0 आपको मिल जाएगा, नाइटस्केप में अच्छे खासे फोटो ले सकते हैं, वीडियो फोटो पोर्ट्रेट मोड सब कुछ आपको मिल जाएगा, स्लो मोशन जो था सबसे पहले सभी है। उसके साथ साथ थोड़े बहुत पिक्चर्स में क्वालिटी में सुधार किए हैं उन लोगों ने। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको टाइमर का ऑप्शन, जो आप पहले बहुत ही मुश्किल होता था टाइमर का, लेकिन अब आप स्मार्ट टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, यही फीचर ऐड हुए बस, और कुछ नहीं है कैमरे के देखने में। फोटोज़ मतलब कि जो गैलरीज का जो ऐप था, इसमें आपको बहुत सारे ब्रांड न्यू यूआई के साथ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आप देखेंगे बहुत ही चेंज हो चुका है ये एक्चुअली। आपको आप कुछ भी अगर फोटोज़ अगर आप डिलीट करते हैं तो आपको एक साउंड भी सुनाई देगा। तो चलिए मैं आपको एक फोटो डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है, तो आप सुन सकते हैं पर आप साउंड इस तरह से सू करके आवाज आता है जब भी आप कुछ डिलीट करेंगे। उसके साथ साथ फोटोज़ में आपको बहुत सारे और भी ढेर सारे फीचर्स मिलेगा, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल्स बताया है चेंजेस के बारे में, हर चीज़ का चेंजेस के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कि रियलमी शेयर जो यहाँ पर ऑप्शन था ना, रियलमी शेयर में आपको मैंने एक वीडियो करके भी दिखाया था, रियलमी शेयर में अब आपको ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रियलमी शेयर में जब भी आप शेयर करते थे पहले तो आपको सिर्फ इस तरह से घूमता था, अब आपको परसेंटेज भी दिखाएगा कि कितना फाइल सेंड हुआ है कितने परसेंट, तो उसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा। उसके साथ साथ आप Xiaomi के फ़ोन को भी आप देख सकते हैं, Xiaomi Vivo या फिर Oppo को भी उसी के Realme शेयर या फिर Vivo शेयर और Xiaomi का जो भी है कनेक्टेड डिवाइस जो भी है उसमें आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपको जेंडर या फिर साइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि सर्च फॉजी मतलब कि आप सेटिंग के अंदर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस सर्च के ऑप्शन से आप सर्च कर सकते कुछ भी सेटिंग्स। जी हाँ, इस सर्च के बटन से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कुछ यही चेंजेस था दोस्तों, आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पूरा चेंजेस देखना है वन बाय वन तो आई बटन पर, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने पूरा कवरेज किया है। तो अब जब फ़ोन चार्ज करेंगे तब आपको चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देखने में कूल लगता है लेकिन पहले वाला जो था वो काफ़ी अमेजिंग था, आप देखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये भी अच्छा लगता है दिखने में, ख़राब नहीं है।